एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने मौसम पर कहा कि पिछले वर्ष मई व जून में अच्छी वर्षा हो गई थी, इस वर्ष अभी मानसून नहीं आया है। 26 जून तक मानसून आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और वर्षा शुरू हो जाएगी, जिसको देखते हुए बाढ़ से बचाव के लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं। सभी बंधों का निरीक्षण कर लिया गया है, राहत सामग्री वितरण का टेंडर करा लिया गया है। उन्होंने कहा, जब भी वर्षा होती है तो बिजली गिरती है, जिसके बचाव के लिए दामिनी नाम का एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इसलिए सभी लोग दामिनी ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। जब कभी भी वर्षा हो रही हो तो आप ऐप को खोलकर जान सकते हैं कि कहां पर बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। पिछले वर्षों में जून और मई में अच्छी वर्षा हो गई थी, इस वर्ष जैसा कि अभी फोरकास्टिंग है आगामी 25-26 के आसपास मानसून आ जाएगा और वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। हम लोगों ने बाढ़ से बचाव के लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली हैं, सभी बंधों का निरीक्षण करा लिया गया है, जो भी राहत सामग्री हम वितरित करते हैं उनका टेंडर करा लिया गया है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। परंतु मेरा अनुरोध आपसे है, आप नागरिकों से है कि बचाव में आपका सहयोग आवश्यक है। जब भी वर्षा होती है तो बिजली गिरती है, उसके लिए एक दामिनी नाम का एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप दामिनी ऐप को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पर। जब भी वर्षा काल हो आप तुरंत उस ऐप को ओपन कर लें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आगामी 4 घंटे में कहां पर बिजली गिरने की संभावना है। मेरा अनुरोध है कि इस पर अवश्य ध्यान दें, वर्षा काल में जितनी भी प्रकार के बचाव संभव है वो अपने आप के लिए करें।